नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या के जमथरा मांझा में जमीनों के प्लॉटों पर उठी बाउंड्री वॉल पर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाए गए बुलडोजर को लेकर मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने इस कार्यवाही और सवाल उठाया है। उन्होंने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरह से जमथरा मांझा में सभी के प्लॉट पर उठी बाउंड्री पर बुलडोजर चलाकर तांडव मचाया है, बहुत निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लॉट जो जमीन वहां पर खरीद रहा है वो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज भी करवाता है, उसके बावजूद भी विकास प्राधिकरण के द्वारा बताया जाता है कि ये डूब क्षेत्र है जबकि बंधा बन चुका है। 2004 में बंधा बनाया जा चुका है, करोड़ों रुपए बंधे के रूप में खर्च हो रहे हैं, उसके बगल में रोड बनने जा रही है, तो फिर वो डूब क्षेत्र कैसे हो गया। लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व प्राधिकरण के द्वारा सरयू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज रामकथा पार्क संग्रहालय ये सब डूब क्षेत्र में बना है क्योंकि ये सरकारी है और डूब क्षेत्र में बना दिया है। जमंथरा मांझा डूब क्षेत्र में नहीं है, शरद पाठक बाबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण के उच्च अधिकारी भाजपा शासन और मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा कोई कूट रचना करके साजिश की जा रही है कि बीजेपी सरकार को बदनाम किया जाए। इस पर शरद पाठक बाबा ने मांग की है कि या तो जमथरा मांझा की टोटल रजिस्ट्री बंद करा दी जाए और जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं उनकी अपनी मेहनत के खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा और आपने बिना नोटिस दिए उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया। बुलडोजर चलाने के पूर्व आपको पहले नोटिस देना चाहिए, इससे पहले भी वहां पर 410 फिट का खंभा ले जाकर गाड़ दिया, जबकि कानूनी प्रक्रिया ये है कि जब आप कोई जमीन अधिग्रहण करते हैं तो धारा 4 की कार्यवाही करते हैं, फिर धारा 6 की कार्यवाही करते हैं, फिर उसका मुआवजा बनता है। और ये तो प्राधिकरण के उच्च अधिकारी बता दें कि वहां पर सारी जमीनें नजूल की हैं और वहां कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। जमथरा मांझा में नजूल की जमीन है लेकिन वहां पर किसानों की भी जमीन है जिसकी खेतौनी है और जो लोग जमीन ले रहे हैं वो किसानों से ले रहे हैं। हम लोग भी जो जमीन ली है वो किसानों से लिए हैं और हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, नक्शा पास कराएंगे, नक्शा नहीं पास होगा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपनी जमीन को चिन्हांकन कर छोड़ने का अधिकार होना चाहिए, क्या वो भी अधिकार नहीं है। फिर आपने बेनामा कैसे कर दिया, दाखिल खारिज कैसे करा दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्राधिकरण अपना तांडव को रोके जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरीके से जमथरा मांझा में तांडव मचाया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लाट होल्डर जो जमीन वहाँ खरीद रहा है वो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज कराता है, और उसके बावजूद इनके द्वारा बार बार बताया जाता है कि डूब क्षेत्र है, जबकि बंधा बन चुका है। 2004 में बंधा बनाया जा चुका है, आज करोड़ों रुपए बंधे के ऊपर खर्चा हो रहे हैं, उसके बगल में रोड बनने जा रही है, फिर डूब क्षेत्र कैसे हो गया। लगभग 10-12 वर्षों पूर्व प्राधिकरण के द्वारा एक सरयू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज राम कथा पार्क संग्रहालय ये सब डूब क्षेत्र में, वो डूब क्षेत्र नहीं, चूंकि ये सरकारी में है, इन्होंने बना दिया। ये प्राधिकरण के उच्च अधिकारी जो है ये भाजपा शासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जो है कोई कूट रचना करके साजिश की जा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। मांग ये करते हैं कि या तो वहाँ की टोटल रजिस्ट्री बंद करा दी जाए, जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं अपने खून पसीने की पता नहीं कहाँ कहाँ से ला करके पैसा उन्होंने अपना बैनामा कराया, खारिज दाखिल कराया और प्लाट को चिन्हित कराया, आपने बिना कोई नोटिस दिए, आपको नोटिस देना चाहिए। इसके पूर्व इन्होंने 410 फीट गाड़ दिया खंभा ले जा करके, इस भी आप पे गाड़ दिया। आप पहले कोई भी जमीन अधिग्रहण करते हैं तो धारा 4 की कार्रवाई करते हैं, फिर 6 की कार्रवाई होती है, फिर उसका मुआवजा बनता है, या तो बता दीजिए सारी ज़मीन नजूल के वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहाँ पे नजूल की ज़मीन है लेकिन किसानों की भी ज़मीन है जिसकी खतौनी है, जो लोग प्लाट ले रहे हैं वो किसानों से ले रहे हैं, हम लोग जो प्लाट लिए वो किसानों से लिए, हम अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे या कैसे करेंगे, नक्शा नहीं पास होता नहीं बनवाएंगे, लेकिन अपने प्लाट को चिन्हांकन करके तो छोड़ने की हमारी होना चाहिए हमको अधिकार, वो अधिकार भी नहीं कि हम अपने प्लाट को ना ले। फिर आपने बैनामा कैसे करा दिया, आपने दाखिल खारिज कैसे करा दिया, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल ये टांडों को रोकना चाहिए।